नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशराज कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की स्पेशल और नॉलेजेबल वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो RGPU के स्टूडेंट है, और जितने भी RGPU के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि RGPU की एग्जाम 2020 की कब होने वाली है, कैसे होने वाली और कहां पर होने वाली है। सारा डिटेल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सारी स्कूल कॉलेजेस और सारा सब कुछ बंद है, इसी के चलते RGPU की एग्जाम भी आने वाली है और कब कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला, सारा डिटेल में इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो जितने भी RGPU के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि RGPU का आगे से क्या नोटिस आया है और एग्जाम आपकी 2020 के कैसे होने वाली है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की एग्जाम कहां होने वाली है और कैसे होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। गाइस, मैं भी एक RGPU का स्टूडेंट हूँ और मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि मैं भी एक RGPU का स्टूडेंट हूँ, मैं एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस और मैं GIT बोरावां से खरगोन अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरी भी अभी एग्जाम होने वाली है, क्या कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सभी अभी लॉकडाउन के चलते सभी स्टूडेंट को ये पता नहीं लग रहा है कि यार RGPU में अभी चल क्या रहा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली में कि भाई RGPU का कोई वीडियो बनाई ताकि हम सभी को पता लगे कि यार RGPU की एग्जाम होने वाली है या नहीं होने वाली, ठीक है। अभी गाइस, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप RGPU की एग्जाम कैसे पास आउट कर सकते हैं, अच्छे CGPA कैसे बना सकते हैं। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से प्लीज उस वीडियो को देखिए। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है कि आपको RGPU के एग्जाम में किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ करके अच्छे एग्जाम में फाइट करके अच्छे मार्क्स लाना है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और आप भी अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। सो गाइस, बात कर लेते हैं पहली RGPU न्यूज़ की। पहली RGPU की न्यूज़ ये है कि गाइस, जूम क्लाउडिंग मीटिंग नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और RGPU ने ये जारी किया सभी कॉलेजेस में, स्पेशली RGPU में। और उस एप्लीकेशन के थ्रू सारे फैकल्टीज जो कि RGPU में, जैसे कि मैं GIT में पढ़ता हूँ तो उस कॉलेज से सारे फैकल्टीज ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और RGPU ने ये भी कहा है कि जितने भी बच्चे वहाँ से क्लासेस अटेंड करते हैं और वहाँ से जो अटेंडेंस रहती है वो आपकी फाइनल रिजल्ट में जोड़ी जाएगी। तो जितने भी बच्चे जूम क्लाउडिंग मीटिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि आपकी भी अटेंडेंस बढ़ सके, ठीक है। सो गाइस, जितने भी पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो प्लीज़ जूम क्लाउडिंग मीटिंग नाम का एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में और अपनी कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। गाइस, आप बात कर लेते हैं दूसरा और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट के बारे में जो कि RGPU से डायरेक्ट आया है, और वो ये है गाइस, आप यहाँ पर फोटो देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि 20 मई 2020 से आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के चलते अभी कॉलेजेस नहीं लगने वाली है, और पहले गाइस होता क्या था कि इस टाइम पर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाते थे मई में, और अभी सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम और जो मेन एग्जाम रहता है वो सारा सब कुछ रुका है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसके चलते सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो इसीलिए RGPU ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें ये कहा है कि 20 मई 2020 से सारे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट की ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। तो यही आपको बताना था कि जितने भी RGPU के स्टूडेंट है प्लीज आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो, ठीक है। अब गाइस, इसकी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, आपकी एग्जाम होगी ऑनलाइन, वो भी घर बैठे बैठे। और जिन स्टूडेंट को ये नोटिस चाहिए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना कि भाई मैंने भी वीडियो देखी है, तो मैं आपको वो नोटिस दे दूंगा और वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 मई 2020 से आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, जितने भी RGPU के स्टूडेंट हैं उन सभी की एग्जाम होने वाली है। तो आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, 20 मई 2020 को आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां से मैं आपको ये पिक फॉलो सेंड कर दूंगा और वहां से आप इसको सिंपली पढ़ सकते हो क्या कुछ इसमें और लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। और आपको अगर RGPU के एग्जाम दे करके अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे CGPA बनाना है, तो मेरी एक और वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप खुद से पढ़ करके कैसे RGPU के एग्जाम पास आउट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल वे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से सिंपली उस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये वीडियो मैंने स्पेशली स्टूडेंट की डिमांड
पर बनाई है। पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मुझे कहा गया है मैसेज करके कि भाई RGPU का कुछ अपडेट आया है नहीं आया है, तो मैंने इसलिए बनाई है। आप सभी को लास्ट में बोलना चाहूँगा कि 20 मई 2020 को ऑनलाइन एग्जाम सभी RGPU स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर स्टूडेंट की होने वाली, ठीक है। चलिए बस आपको इतना बताना था, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस की ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और RGPU के स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी हम RGPU की जो भी अपडेट आने वाली है उसकी वीडियो हम डालते रहेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।